हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इस क्रम में हम टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हमने सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यूज, पेशी ऊतक क्या होता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में जटिल ऊतक में, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यूज जो है पूरे बॉडी के विभिन्न पार्टों को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसमें हमने अस्थि और उपास्थियों के बारे में पढ़ा था। तो जितने भी यहाँ पर हम एक्चुअली एग्जांपल जो है वो ह्यूमन बींग्स का ही लेते हैं और उन्हीं के टिश्यूज के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो हम जो है वो कार्डेट प्राणी हैं, या जितने भी कार्डेट्स प्राणी होते हैं उनके अंदर अंतः कंकाल जो है वो अस्थि और उपास्थि का बना होता है, और अस्थि और उपास्थि से कनेक्टेड मस्कुलर टिश्यूज होता है, जो कि उसके पूरे बॉडी को एक निश्चित शेप या आकार देता है ना। और प्रचलन और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए भी, चूंकि एनिमल्स जो है वो एक स्थान से दूसरे जगह पर जाते हैं, प्रचलन करते हैं, इसके अलावा भी उसके बॉडी में कई प्रकार के मूवमेंट होते हैं, गति होते हैं, होती है, है ना, इसके लिए पेशी ऊतक की आवश्यकता होती है। पेशी ऊतक का निर्माण पेशी कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है, और इसमें जो कंस्ट्रक्शन की क्षमता होती, इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन यानी संकुचन की क्षमता होती है। इसी संकुचन और शिथिलन के कारण हम अंगों को हिला डुला पाते हैं, मोड़ पाते हैं विभिन्न दिशाओं में। ये उच्च स्तरीय प्राणियों में पाया जाता है, मतलब जितने भी कार्डेट्स हैं कहना चाहिए, उसमें ये बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप होता है। और पेशी कोशिकाएं लंबी लंबी पतली पतली होती है, इसलिए इनको पेशी तंतु या मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। पेशी तंतु के अंदर अनेक पेशी तंतु या मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, और ये जो है पेशियों में संकुचनशीलता और उत्तेजनशीलता का गुण होने के कारण ही पेशियां हमको गति करने में और चलन करने में सहायता प्रदान करती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। गमन के अतिरिक्त यानी प्रचलन या गमन एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने के अतिरिक्त पेशियां जो है वो डाइजेशन में मदद करती है। हमने 10th में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स होते हैं उसके कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन संकुचन और शीतलन के कारण ही भोजन आहार नाल में आगे बढ़ पाता है, है ना। इसी के कारण रेस्पिरेशन हो पाता है, सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है, और इवन रिप्रोडक्शन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औतकी एवं कारिकी के आधार पर पेशी ऊतक को तीन प्रकार में बांटा गया है, रेखी पेशी ऊतक, स्ट्रेटेड मसल्स, इनको कंकाली पेशियां भी या स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अस्थि से जुड़े रहते हैं। हमारा जो अंतःकंकाल होता है उससे जुड़ी हुई जितनी भी अस्थियां, मतलब पेशियां हैं, उनको हम रेखित पेशी कहते हैं। इनको ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि हम इच्छा अनुसार इसका मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे हम हाथ को हिला डुला पा रहे हैं, पैर से चलन कर पा रहे हैं मसल्स के साथ, तो ये इन मसल्स को हम अपने इच्छा अनुसार मूवमेंट करवा सकते हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। प्रत्येक पेशी तंतु जो है वर्तुल के आकार का, सिलेंडर के आकार, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आपका स्ट्रेटेड मसल्स को, ये सिलेंडर के आकार का वर्तुलाकार होता है और 4-5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। पेशी तंतु एक पारदर्शक प्रत्यास्थ यानी लचीला समांग दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, और इस झिल्ली को कहते हैं सार्कोलेमा। ये जो झिल्ली से चारों तरफ से घिरा रहता है उसको कहते हैं सार्कोलेमा। इस झिल्ली के नीचे अनेक चपटे और अंडाकार केंद्रक पाए जाते हैं। प्रत्येक जंतु में अनुदैर्ध्य मायोफाइब्रिल होता है, और हर मायोफाइब्रिल पर एकांतर रूप से गहरे और हल्के रंग के अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ पट्टियां जो है वो गाढ़ी है, कुछ पट्टियां जो है बारीक है ना। तो इस प्रकार इसमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती है, डार्क एंड लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल के चारों ओर केंद्रक के निकट स्थित विशेष प्रकार के कोशिका द्रव्य को
पेशी द्रव्य या सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा रहता है उसको हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। प्रत्येक रेखित पेशी तंतु एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक जिसे एंडोमाइसियम कहते हैं इससे घिरा हुआ रहता है। और ये जो है इस संयोजी ऊतक में रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती है। कई तंतुओं के गुच्छों को फैसिक्यूला कहा जाता है और प्रत्येक फैसिक्यूला के चारों ओर स्थित संयोजी ऊतक को पेरिमाइसियम कहा जाता है। इस प्रकार के कई फैसिक्यूलेटेड मिलकर एक रेखित पेशी बनाते हैं। ये पेशी एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से घिरा रहता है जिसे एपिमाइसियम कहते हैं। इसकी जो गहरी पट्टियां हैं उसको ए पट्टिया या ए बैंड एनिसोट्रॉपिक बैंड्स और हल्की पट्टियों को आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है। प्रत्येक आई पट्टी के मध्य में एक जेड रेखा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक रेखा होती है जेड रेखा, जेड लाइन या जेड वाइस पिक बॉन्ड कहते हैं, सॉरी जेड जेड लाइन या जेड वाइस कंचे, सॉरी ये धारी आई पट्टी को दो समान भागों में बांट देती है। जेड पट्टी को क्राउस झिल्ली कहा जाता है। ये जो बीच का जो झिल्ली होता है जेड झिल्ली उसको क्राउसेस मेम्ब्रेन कहा जाता है। ए पट्टी के बीच में तुलनात्मक रूप से कम गहरा क्षेत्र पाया जाता है जिसको एच बैंड कहा जाता है। और इसी प्रकार जेड के बीच में पाए जाने वाली संरचनात्मक इकाई को सार्कोमियर कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक तंतुक में अनेक सार्कोमियर्स होते हैं जो एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और हरेक सार्कोमियर में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन के द्वारा दो प्रकार के सूत्र की विशिष्ट व्यवस्था होती है। रेखित पेशी का संकुचन बहुत तीव्र गति से होता है लेकिन संकुचन प्राणी के इच्छा के द्वारा भी नियंत्रित होता है जैसे मैंने कहा था, है ना। और इसीलिए इनको ऐच्छिक पेशियां या वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। सेकंड है चिकनी पेशियां, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये है चिकनी पेशियां। इनको अरेखित पेशी या अनस्टेटेड मसल्स भी कहते हैं या अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं क्योंकि इसके जो क्रियाएं हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है और ये जो है वो आंतरिक अंगों में, शरीर के आंतरिक अंगों में पाया जाता है। इस ऊतक की पेशी तंतु अलग अलग रहता है, एक दूसरे से सटा हुआ नहीं रहता है लेकिन ये समूह के रूप में भी हो सकता है और ये समूह जो है वो संयोजी या योजी ऊतक के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। प्रत्येक चिकनी तंतु जो है वो एक पेशी कोशिका होती है। ये एक लंबी तर्कु के समान, स्पिंडल या तर्कु के समान होता है और इसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है जिसको कि सार्कोलेमा कहते हैं और इसके अंदर के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। इसमें एक बड़ा स्पष्ट केंद्रक होता है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बड़ा स्पष्ट केंद्रक होता है। सार्कोप्लाज्मा में अनेक पेशी तंतु पूरी लंबाई में समांतर रूप से फैले हुए रहते हैं। इनके जो पेशियों का संकुचन है वो धीमी गति से और लंबे समय तक होता है और मैंने जैसे बताया था कि जंतुओं की इच्छा का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है तो ये अनैच्छिक पेशियां या अनवॉलेंट्री मसल्स भी इसको कहा जाता है और ये आंतरिक अंगों में पाया जाता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, नहीं हार्ट नहीं है, हार्ट के लिए तो अलग पेशी है, बाकी जितने भी अंग हैं, है ना, इसलिए इसको अंतरांगी पेशी या विसरल मसल्स भी कहा जाता है। ये यूरिनरी ब्लडर है, श्वास नली है, यूरेटर है, है ना, ब्लड वेसल्स है, आंत है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, उसमें ये पाया जाता है। एंड लास्ट वन इज द कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हृदय पेशी ये हृदय में पाया जाता है, हृदय की संरचना को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, हृदय की भित्ति पर ये पाई जाती है। हृदय पेशी छोटे बेलनाकार और शाखित होते हैं जैसे कि हमने अरेखित पेशी को देखा था, इसी प्रकार ये भी
बेलनाकार है, लेकिन वो शाखित नहीं था और ये शाखित है, ब्रांचेस इसमें रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और शाखित होने के कारण ये एक अंतर संयोजी जाल बना लेते हैं। इनके सार्कोप्लाज्म में एक केंद्रक मध्य में पाया जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है वो बैंड के मध्य में एक केंद्रक पाया जा रहा है, और इनमें अंतर्विष्टपट इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, ये देख रहे हैं इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें पाया जा रहा है, जिसके कारण ये छोटे छोटे खंड में बटे हुए रहते हैं और प्रत्येक खंड में रेखित पेशी तंतु के समान ही गहरी और हल्की पट्टियां पाई जाती हैं। इन पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है और कार्य की दृष्टि से अनैच्छिक पेशी होती है। और एक बार जब इसमें संकुचन और शिथिलन प्रारंभ हो जाता है तो बिना रुके ये जब तक लाइफ है, जब तक जंतु का जीवन है, ये गति करते रहते हैं। इसे ही हृदय की गति या धड़कन कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यूज के बारे में।